ज्येष्ठ समाज सेवक श्री ओमकारेश्वर शर्मा जी, इन्होंने अब तक जन सामान्य लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आइए उनसे जानते हैं। सोशल एक्टिविटी, आपने अब तक अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं समाज के प्रति? सर देखिए, हम तो ज़्यादा करके समाज के लिए काम करना चाहते हैं। समाज में बड़ा बड़ा उतार होते रहते हैं, हम समाज के साथ में हम काम करते हैं और कार्य किए हैं सभी लोगों के लिए। समाज के लिए बहुत सी समस्या रहती है, तो उनका हम खुद उनके हिंसा हो गया, तो ये सब मुद्दे पे हमने काफ़ी काम किए हैं लोगों के लिए। कोरोना के कालकार में सर हमने काफ़ी उत्तर भारत जो भी लोग परेशान थे, फैक्ट्री में फंसे हुए थे, उनको उनके घर पहुंचाने का हमने कार्य किया। सिर्फ उत्तर भारतीय लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए। मैं तो निकल गया 2023 में, अब नगर सेवक का जो चुनाव होने जा रहा है उसके प्रति आपकी कोई तैयारी है? के लिए जब हम हक लड़ेंगे तभी तो जनता हमारे साथ में रहेगी और हम जनता के लिए काम कर सकते हैं। और कौन सी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं साहब? मैं मानोहित पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे फ्यूचर में, भविष्य में। फ्यूचर में देखिए, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ कि हर समाज में लोग हैं, कि उनके चार पांच बच्चे हैं, उनके काम धंधा नहीं चाहिए, कि समाज में रह के ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि उनके बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई शादी विवाह सही, मतलब किसी के सामने बेइज्जती ना हो और उनके टाइम पे शादी विवाह हम लोग कर सकें। इस सिलसिले पर अभी मैं भी तो चल रहा है कि भाई लोगों को रोजगार दिया जाए, इसके विषय पे मैं पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहा हूँ, हर इंडस्ट्रियल में जा, प्लेसमेंट का भी कंपनी है हमारी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ कि भाई लोगों को लेके चलेंगे। देखिए, रोजगार तो सभी के लिए, जो हिंदुस्तान में है वो कोई उत्तर भारतीय ने भी है, उड़ीसा वाले भी है, आंध्रा वाले भी, सभी राज्य के लोग हैं, दिलाना हमारा फर्ज है। हमें वहाँ जातवात नहीं देखना है कि ये जाति का आदमी, हमें इसको रोजी रोटी नहीं दिलाना है। हमें अभी समाज के लिए देखिए बहुत से उपाय हैं, अभी कर रहे हैं, हम देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। समाज का हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे। और केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र की राज्य सरकार से भी देखिए, हमारी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जितने लोग हैं उनको यही अनुरोध करूंगा कि लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे राज्य में गौ माता है, ये उनको प्लास्टिक विस्टिक मतलब कुछ भी खाते रहती है, तो मैं एक चाहूँगा कि महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचोड़ में एक बड़ा गौशाला खोला जाए और गौ माता की सेवा की जाए, इसके लिए हमें कुछ सरकार से। ये थे हमारे साथ श्री ओमकार शर्मा जी, जो कि राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो गौ माता है, गाय जो पशु, जिस ओमकार शर्मा जी। मैं ब्रजेश भटगुजर, भारतीय जनमत न्यूज़, पिंपरी। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चैनल।